इसमें चिप होगा, इसमें सिग्नल्स आएंगे, उस गोदी मीडिया के एंकर जहां रोड पे मिलते हैं उनको पकड़ के सिर्फ एक सवाल आप बिना पूछे जाने मत देना, किस तरह से गोदाम में ट्रंक में 2000 के नोट भरे हुए हैं, जब जनता लाइन में मर रही थी तो वहां पे किस तरह से 2000 के नोटों का खेल चल रहा था, हमारे प्रधान सेवक जो लोग लाइन में जिनकी मौतें हो गई थी उनके परिवार वालों को 100-100 करोड़ कम से कम मुआवजा देंगे। दोस्तों नमस्कार, 8 नवंबर 2016 भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इसको भूल पाएगा और इतिहास में यह दर्ज हो चुका है किस तरह से प्रधान सेवक ने आकर के रात के 8 बजे उन्होंने कहा था कि दोस्तों मित्रों आज और अभी से 500 और 1000 के नोट टेंडर नहीं होंगे, यानी कि मार्केट में बाजार में ये नहीं चलेंगे। वो लोग कतई नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने अपनों की जान गंवाई उसी नोटबंदी के लाइन में। क्या आपको पता है कि नोटबंदी के शायद अगले दिन से ही नकली 2000 के नोट आने शुरू हो गए। अब कहां है वो गोदी मीडिया न्यूज चैनल वाले जो उस 2000 के नोट में कोई चिप बता रहा था, कोई चैनल वाला ये बता रहा था कि 120 मीटर इसे जमीन के नीचे भी रख देंगे तो इसकी जो सिग्नल है वो आईटी डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा और नोट आपके पकड़े जाएंगे। कहां गया एक कथित तौर पे जो तिहारी चौधरी न्यूज चैनल का एंकर है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो काफी गुणगान और बयान कर रहा था इस नोटबंदी की, और वहीं पे एक मैडम जो न्यूज चैनल वाली है किस तरह से चिप बता रही थी। तो अब ये जब गोदी मीडिया के एंकर आपको रोड पे नजर आए तो इनको पकड़ के अब यही सवाल करना कि 2000 नोट में मैडम चिप दिखाइए ना, मैडम चिप दिखाइए ना, और उस पत्रकार से भी फेक न्यूज चैनल का जो पत्रकार है उससे भी पूछना कि कहां गए तुम्हारे वो नोटबंदी के गुणगान, अब वो सारी चीजें दिखाओ। याद है आपको प्रधान सेवक की वो बातें, दोस्तों मित्रों काले धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए, जब वो नकली नोट बंद करने के एवज में ये दुहाइयां दे रहे थे, आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए, सीमा पार से नकली नोटों के जरिए आतंकवाद भारत में घुसाया जाता है, कई तरह के दलीलें दी थी नोटबंदी के एवज में जिसको गोदी मीडिया के एंकर ने भरपूर साथ दिया था उसको सही साबित करने के लिए। आप मुझे 50 दिन दीजिए फिर आप मुझे जिस चौराहे पे बुलाएंगे और आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगा, याद है ना ये सब जुमले। तो दोस्तों जो 2000 के नकली नोट है वो ऐसा कहा जा रहा है, मान सकते हैं कि नोटबंदी के अगले दिन से ही वो 2000 के नकली नोट छपने शुरू हो गए थे। जिस नोटबंदी का सबसे बड़ा कारण नकली नोट बताया जा रहा था, जिस पे काबू करने की बात की जा रही थी, लेकिन नोटबंदी के महज 10 दिन बाद ही कर्नाटका के मैसूरू से करीब 44-2000 के नकली नोट पकड़े गए थे। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक 2017 में जितने नकली नोट पकड़े गए उनकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए थे, लेकिन जिसमें से 56% 2000 रुपए के नकली नोट थे। यही 2018 में बढ़के तकरीबन 61% के करीब 2000 के नकली नोट पकड़े गए। इससे आप समझ सकते हैं कि 2000 नकली नोट के बारे में जो कहा जा रहा था कि इसका कॉपी करना मुश्किल है, इसको छापा नहीं जा सकता है, लेकिन वहीं पे 2000 के नकली नोटों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो यह समझा जा सकता है, यह लग रहा है कि इस 2000 के नकली नोट को आसानी से छापा जा सकता है या छापा जा रहा है। 8 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक जो 53 दिनों का वक्त था उसके अंदर ही करीब 45 करोड़ रुपए के नकली नोट पाए गए, जिसमें से करीब 57% यानी कि 57% नकली नोट गुजरात में पाए गए। आपको याद होगा कि किस तरह से प्रधान सेवक ने कहा था कि देश में बड़े दुर्लभ दिन आए हैं, आपके जीवन के बड़े दुर्लभ दिन हैं कि आप देश के इस प्रगति में भागीदार बने। ये नोटबंदी के टाइम के जुमले हैं जिसके तहत आपसे कहा गया कि आप लाइन में लगे, देश के प्रगति में हिस्सेदार बने, और हम आप सारे लाइन में मर रहे थे, कितने लोगों की जाने चली गई, कितने लोगों ने कई कई दिनों तक खाना नहीं खाया और लाइन में लगे रहे, लेकिन बदले में जो मिल रहा है वो आपके सामने है। 2018 के अंत तक गुजरात के अंदर ही करीब 7 करोड़ रुपए के नकली 2000 के नोट पकड़े गए। वहीं पे उत्तर प्रदेश के अंदर में 2.6 करोड़ का, तमिलनाडु में 2.8 करोड़ का, वेस्ट बंगाल में 3.5 करोड़ के 2000 के नकली नोट पकड़े गए, लेकिन सबसे टॉप पे गुजरात रहा। नोटबंदी के महज 24 दिन बाद ही
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट 2 दिसंबर 2016 की है। ये वही वक्त था जब नोटबंदी का दौर चल रहा था और आम जनता लाइन में लगी थी। उसी दरमियान बेंगलोर में आईटी डिपार्टमेंट ने रेड मारा था तो तकरीबन 6 करोड़ रुपए के 2000 के नोट मिले थे। ये वही वक्त था जहां पे भारत के आम जनता एक एक 2000 नोट के लिए लाइन में खड़े थे, लोगों के जान जा रहे थे, लोगों के बच्चों के इलाज नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वहीं पे 2000 के तकरीबन 6 करोड़ रुपए के नोट बेंगलोर में आईटी के रेट के दरमियान मिले थे। तो ये नोट आए कहां से, ये नोट किस बैंक वाले ने दिए, या वो उन्होंने वो उस नोट को कहां से लेके आया, कोई तहकीकात हुई? वही जहां 2000 रुपए के नकली नोट में 56% की वृद्धि हुई, वही 500 रुपए के नकली नोट पे 121% की वृद्धि हो चुकी है। तो नकली नोट छापना कितना मुश्किल है, जो नया नोट आया है ये आपके सामने है, और किस तरह गोदी मीडिया इसमें चिप होगा, इसमें सिग्नल्स आएंगे, उस गोदी मीडिया के एंकर जहां रोड पे मिलते हैं उनको पकड़ के सिर्फ एक सवाल आप बिना पूछे जाने मत देना कि अब वो चिप दिखाओ, अब वो सिग्नल दिखाओ कि ये सिग्नल कहां जाते हैं और ये फेक नोट कहां से आते हैं। ये सवाल गोदी मीडिया के एंकर अगर रोड पे नजर आए तो जरूर उनको पकड़ के सबसे पहले इस बात का जवाब लेना कि ये नकली नोट के चिप कहां गए, ये मुझे बताओ आज, क्योंकि तुमने मुझे गुमराह किया था, तुम गोदी मीडिया ने लोगों को गुमराह किया था। यहां पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कपिल सिब्बल ने नोटबंदी के ऊपर में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, 20 मिनट का वो स्टिंग है और उसकी कुछ पोर्शन भी ये देखिए आप। जस्ट लुक एट इट शेमफुल। आई थिंक पीपल शुड कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स के गरीब आदमी के तो पैसे आपने फ्रीज कर लिए, उनको तो खर्चने नहीं दिए। अरे कमल नहीं, कमल का कमाल है कहता है, कमल नहीं कमल का कमाल है, ये घोटाला कमल का कमाल है। इसमें साफ जाहिर है बैंकर इन्वॉल्व हैं, भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें कमीशन्स इन्वॉल्व हैं, अधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं, और कमलम का हमने बता ही दिया उनका नाता है वहाँ। अच्छा अब ये एक मिनट रुक जाइए, ये होटल में दृश्य चले जाता है क्योंकि 5 करोड़ होटल में पहुँच गया, वहाँ इनका बंदा वहां पहुंच गया ये चेक करने के लिए कि 5 करोड़ पैसा 5 करोड़ है या नहीं। चलिए आगे, नवेच है न चिंता मत, कमलम से फोन है, तो वो अंदर गया है स्ट्रांग रूम में और कमलम से फोन आ रहा है उसका मोबाइल का, तो ये शख्स मोबाइल उठाकर कमरे में घुस जाता है। फिर दृश्य देखिए आप, देखो कमल कितना खिल रहा है पैसे के पीछे, इतना खिल रहा है खुशी से। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके YouTube पे अपने चैनल के थ्रू उन्होंने दिखाया था, लेकिन इस पे किसी भी गोदी मीडिया ने इसको दिखाने की जरूरत नहीं करी, क्योंकि जिन गोदी मीडिया ने 2000 के नोट में चिप दिखाए थे, जिन गोदी मीडिया ने यह कहा था कि इसमें सिग्नल लगे होंगे, जिन गोदी मीडिया ने यह कहा था कि जमीन के 120 मीटर के नीचे तक आपके पास सिग्नल पहुंच जाएगा अगर छुपा के रखेंगे, तो उस गोदी मीडिया किस मुंह से इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाती। आप YouTube पे जाके कपिल सिब्बल ऑन डीमोनेटाइजेशन स्कैम करके अगर आप डालेंगे तो ये वीडियो आपके सामने खुल जाएगा, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें किस तरह से गोदाम में ट्रंक में 2000 के नोट भरे हुए हैं, जब जनता लाइन में मर रही थी तो वहां पे किस तरह से 2000 के नोटों का खेल चल रहा था, ये जरूर देखिए। यहां पे एक बात बता दूं कि अगर कपिल सिब्बल गलत है, ये वीडियो गलत है, तो कपिल सिब्बल पे कार्रवाई हो, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों चुप करके बैठी हुई है, इस वीडियो पे कोई जवाब क्यों नहीं देता। नोटबंदी की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई नोटबंदी के दरमियान लाइनों में, कितने लाखों बेरोजगार हो गए नोटबंदी की वजह से, लाखों व्यापार बंद हो गए, तो अब क्या हमारे प्रधान सेवक जो लोग लाइन में जिनकी मौतें हो गई थी उनके परिवार वालों को 100-100 करोड़ कम से कम मुआवजा देंगे, जिन व्यापारियों के व्यापार बंद हो गए, जिन लाखों लोगों के रोजगार चले गए नोटबंदी की वजह से, उनको क्या प्रधान सेवक क्या मोदी सरकार कोई मुआवजा कोई पेंशन देगी,
आखिर सबका जवाब देगा कौन? तो नोटबंदी में जो तरह तरह के जुमले सुना करके आपको खड़ा किया गया था, उस नोटबंदी में कितना बड़ा स्कैम हुआ, कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ है, ये आपके सामने है। और जो आपको एक वजह दी जा रही थी कि भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, काला धन हो और नकली नोट हो, उस सब का रिजल्ट आपके सामने है। तो देखा आपने किस तरह से गोदी मीडिया किस तरह से नोटबंदी को जायज उस वक्त ठहरा रही थी, लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं किस तरह से नोटबंदी में घपला घोटाला हुआ, किस तरह से फर्जी यानी कि फेक नोट की संख्या बढ़ चुकी है, किस तरह से लोगों के रोजगार गए, किस तरह से व्यापार बंद हो गए, लेकिन इस सब के ऊपर मीडिया आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया तो गोदी मीडिया है। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।